बेटियां परियां होती हैं, ये हर शख्स जानता है, क्योंकि उनके घर में किसी ना किसी रूप में एक बेटी होती है। पापा की लाडली, माँ की सहेली, भाई की कॉम्पिटिटर होती हैं, हाँ बेटियां परियां होती हैं। बेटी की पहली किलकारी से पूरा घर चहक जाता है। माँ के प्रसव पीड़ा का दर्द मिनटों में घट जाता है। बाप के कांधे और चौड़े हो जाते हैं और भाई को लड़की शब्द का महत्व समझ आता है। हाँ बेटियां परियां होती हैं। न जाने छोटी सी गुड़िया कब इतनी बड़ी हो जाती है, माँ बाप के जज्बातों को बिना अल्फाजों में ही समझ जाती है। भले ही कितनी डिज्नी फेरीज की कहानी सुनकर बड़ी हुई हो, पर बड़ी ही मैच्योरिटी से असल जिंदगी में जीना सिखाती है। हाँ बेटियां परियां होती हैं। पापा का अटेंशन पाने के लिए नए नए तमाशे करती हैं। कभी दोस्त तो कभी उनकी माँ और कभी तो उनकी गर्लफ्रेंड तक बन जाती हैं। झूठी बीमारी का बहाना बनाकर अक्सर उन्हें सताती हैं। कभी डिमांड ना पूरी होने पर जिद पे भी अड़ जाती हैं। हाँ बेटियां परियां होती हैं। अब कुछ कड़वी सच्चाई। तुम बेटी हो, तुम्हें यह समझना पड़ेगा जमीन जायदाद पर हक सिर्फ लड़के का होता है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम तो पराई हो, शादी करके अपने घर को चली जाओगी। हमारे बुढ़ापे की लाठी तो सिर्फ लड़के को ही बनना पड़ेगा। लड़का देखने आएगा तो बड़े अदब से चाय लाना पड़ेगा और अपनी सारी हॉबीज को एक बड़ी सी ट्रे में सजाना पड़ेगा। ऐसी जहरीली दिखावटी सोच से पर्दा उठाती है। डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत घर से ही होती है, इसका आईना दिखाती है। हाँ बेटियां परियां होती है। डूड, गाली देना बहुत अच्छा है, स्टेटस का सिंबल है तो दो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। नया जमाना है, चलो सोच बदलते हैं। भाई बाप पर दो गालियां मैं चुपचाप सहूंगी। बहुत हो चुकी माँ बहन पर गालियां, मैं अब नहीं सुनूंगी। बंद करो ये झूठा तमाशा स्टेटस का, मैं अब नहीं सहूंगी। पापा आपने ही तो कहा था मैं तो आपकी परी हूँ, तो भला अपने लिए ऐसे गलत शब्द कैसे सुनूंगी। बाप और भाई को मर्यादा का पाठ सिखाती है, पूरे घर में खुशहाली लाती है। हाँ बेटियां परियां होती हैं, जो एक परिवार और समाज में बदलाव लाती हैं, जो एक परिवार और समाज में बदलाव लाती हैं।